के शरीर में 14 टांके आए। घायल के परिजनों का आंगनवाड़ी सहायिका पर गंभीर आरोप है। पुलिस सहायिका के खिलाफ शिकायत के बाद आंगनवाड़ी सहायिका ने आरोपों से इनकार किया। बड़वानी शहर के पनवाड़ी मोहल्ले में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे पर आज एक कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि लोग बचा पाते उससे पहले ही बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, तो बच्चे के शरीर में 16 टांके आए हैं। घायल बालक के परिजनों ने इसे लेकर पूरी तरह सहायिका पर आरोप लगाते हुए उनका कहना है कि बच्चे का कहना है कि सहायिका द्वारा धक्का मारकर आंगनवाड़ी से उसे बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद कुत्ते ने उस पर हमला किया। वहीं सहायिका का इस पूरे मामले पर कहना है कि बच्चे कुछ मस्ती कर रहे थे और वो बाहर चले गया, इस दौरान कुत्ते ने हमला कर दिया। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस में शिकायत की गई है और पुलिस जांच की बात कर रही है। ये आंगनवाड़ी में बच्चे का कुत्ता खाता, तो एक लड़की आई थी बोलने को, बोले आपके बच्चे को कुत्ता काट खाया, तो उसकी माँ गई और एक मेरा लड़का गया जो नगर पालिका में है, वो सीधे डायरेक्ट अस्पताल में लाए उसको, और उसको टाके मतलब कितने आए, 14-16 टाके आए उसके। क्या अभी थाने पे आए हो? हाँ, अब थाने पे रिपोर्ट लिखवाने आए। बच्चे ने बोला कि मेरे को धक्का मार के निकाल दिया था, बाहर निकाल दिया था। हाँ, क्या कारण बाहर निकालने का बताया? तो मस्ती करता है ऐसे करके। हाँ, तो ये उसका भाई है, ये भी बोल रहा है, तो बोले हाँ इसने निकाला था, बोले कि जो क्या ये बच्चा बहुत मस्ती कर रहा था और छोटे बच्चे को भी लेके दौड़ रहा था इधर उधर, तो इधर का गेट से हमने इसको अंदर करा तो दूसरे गेट से निकल के भगा, तो छोटे बच्चे का मैंने हाथ छुड़ाया तो बच्चे को धक्का लगा, तो ये बच्चा बोले कि मैं तो घर पे जा रहा हूँ, मैं नहीं बैठता, तो ये बाहर निकला तो इसको कुत्ते ने पकड़ा। जैसे ही पीछे पकड़ा तो हम दौड़े, स्केल था मेरे हाथ में और इसने तो मुँह घुमाया तो यहाँ पर पकड़ लिया, तो वैसे ये भैया आया, हम हॉस्पिटल उसको लेके गए। पानसिमल कैफे संचालक की करतूत, बीकॉम की छात्रा से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आरोपी छात्रा को परेशान कर रहा था और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पानसिमल थाना क्षेत्र के जलगोन की छात्रा जो कि महाराष्ट्र के शाहदा में रहकर बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी, वहीं के कैफे संचालक द्वारा शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। युवती द्वारा शादी करने का बोलने पर आरोपी लगातार युवती को धमकी दे रहा था कि तेरे फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा, साथ ही उसका यह भी कहना था कि मैं तेरी शादी कहीं और होने नहीं दूंगा। आखिरकार युवती ने पानसिमल थाने पर आरोपी दिनेश पिता चंपालाल जैन के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। पानसिमल पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके द्वारा उसकी बालिका के साथ शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा, इसके बाद उसके द्वारा शादी से मना कर दिया एवं फरियादी की लड़की का ना तो दूसरी जगह रिश्ता होने दे रहा था एवं उसे बदनाम करने की धमकी दे रहा था तथा उसके वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर युवती ने थाना पानसेमल में प्रकरण दर्ज कराया था, जिस पर से जिनेश पिता चंपालाल जैन के विरुद्ध 363, 366, 376, 506 का प्रकरण दर्ज किया गया, जिसे कल शाहदा उसकी काफी हाउस से गिरफ्तार किया गया है। इंदौर के बीजोसन माता मंदिर के पीछे झाड़ियों में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। गुरुवार को अलसुबह एरोड्रम पुलिस को सूचना मिली कि बीएसएफ बॉर्डर के समीप किसी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को बरामद कर जिला अस्पताल भेज दिया गया। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के बीजोसन माता मंदिर से लगी हुई बीएसएफ के जमीन की बाउंड्री वॉल के पास गुरुवार सुबह बीएसएफ के अधिकारी द्वारा एक शव मिलने की सूचना दी गई, जिसके बाद एरोड्रम थाना पुलिस ने तस्दीक करते हुए शव को बरामद किया और उसे जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने सर्चिंग शुरू कर दी, जिसमें मृतक की पहचान इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के ललित पिता दीपक पाराशर उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा कर पाएगी कि यह हत्या है या आत्महत्या। मृतक के शरीर पर पुलिस को कुछ चोट के निशान मिले हैं। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये चोट के निशान जानवरों की खरोंच से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन खुलासा पीएम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। आज सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास बीएसएफ कैंपस से प्राप्त हुई थी और उस आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभ में यह स्पष्ट नहीं था कि मृतक कौन है, लेकिन जांच के दौरान यह स्पष्ट हो चुका है कि मृतक मल्हारगंज थाना क्षेत्र के महंत आश्रम का रहने वाला था और इसका नाम ललित पिता दीपक पाराशर है।
मृतक के बारे में और जानकारी अभी जुटाई जा रही है। जो बॉडी है वह लगभग 1.5-2 दिन पुरानी नज़र आती है, डिकम्पोज होने लगी थी। मृतक के पास से ऐसे कोई हालांकि मोबाइल मिला है, लेकिन उसकी बॉडी पर डिकम्पोजिशन की वजह से स्पष्ट नहीं हो सका कि कोई उसे बाह्य चोट इत्यादि है या नहीं। अभी प्रकरण हमने मर्ग के रूप में कायम किया है और जांच की जा रही है। अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन ओपन है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि यह सुसाइडल केस हो सकता है कि हत्याजनित प्रकरण भी हो, लेकिन अभी यह प्रारंभिक तौर पे स्पष्ट नहीं हो सका है कि मृत्यु की वजह क्या है। हमने मर्ग कायम किया है और जांच की जा रही है। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भी भेजा गया है।